नमस्कार, मैं सविता वर्मा। आज हम टमी का फैट कैसे रिड्यूस करते हैं उसकी एक्सरसाइज सीखेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टमी का फैट। बस दिवाली अभी गया ही है, कुछ मिठाइयाँ भी खाई है, कुछ नमकीन भी खाया है, वजन तो थोड़ा बढ़ा ही है, कोई बात नहीं। टमी का फैट तो चुटकियों में उतर जाता है। बस थोड़ी सी मेरे साथ एक्सरसाइज करिए। बस आप मेरे इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिए और हम जो छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हैं आप उसको ओवरकम करिए। बस छोटे छोटे से करेक्शन से आप रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत फास्ट आते हैं। जो मैं छोटे छोटे से करेक्शन बता रही हूँ, जो परफेक्शन बता रही हूँ, यदि आप उसको ध्यान से करेंगे तो यकीन मानिए कि टमी का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। हम इसको 3 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज है पार्ट 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मंडे को पार्ट 1 किया, ट्यूसडे को पार्ट 2 किया और वेडनेसडे को पार्ट 3 किया, फिर वापस इसको आप रिपीट कर सकते हैं। रिजल्ट्स आपको 15 डेज में मिलेंगे। सबसे पहले आपको मेट पर लेटना है। सबसे पहले अपनी मेट पर लेटना है। सबसे पहले करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको करेक्ट कैसे करना है कि हमको बड़ा सर्कल बनाना है। एक तो हम ये सिंपल साइकिलिंग कर रहे हैं, ये वार्म अप के लिए है। अब 50 टाइम करने के बाद इसको बड़ा सर्कल बनाइए। देखो, पूरा पैर नीचे, फिर पूरा 90 डिग्री, फिर पूरा बड़ा सर्कल नीचे, पूरी बड़ी साइकिलिंग करना है आपको। अब ध्यान से देखिए, घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ, पूरा 90 डिग्री से लेके पूरा 30 डिग्री तक। तकरीबन आपको उसको 50 टाइम करना है। यदि आपको कमर दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो आप एक एक पैर से कर सकते हैं। इसी को आपको रिवर्स भी करना है। कैसे? इससे बिल्कुल, पूरा 90 डिग्री, पूरा 30 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, पूरा 30 डिग्री, और फिर पैरों को नीचे ले आना है 50 टाइम क्लॉकवाइज, 50 टाइम रिवर्स। ऐसे आपको दोनों पैरों से करना है 50 टाइम क्लॉकवाइज और 50 टाइम रिवर्स। 20 टाइम से स्टार्ट करके धीरे धीरे 30 टाइम, 40, 50 तक बढ़ाना है आपको। कैसे करना है? बिल्कुल हल्के से ज़मीन से ऊपर रहेंगे पैर, पूरा बड़ा, घुटने से बिल्कुल पंजे बाहर की तरफ खींच के रखिए। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके, 50 टाइम क्लॉकवाइज एंड 50 टाइम रिवर्स। लेकिन शुरुआत में आपको 20 टाइम से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे 30, 40, 50 तक ले जाना है इस तरह से। फिर घुटने मोड़ के पैरों को नीचे ले आइए। ऐसे आपको लेग रोटेशन करना है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले तो लेफ्ट लेग को सांस लेते हुए 60 डिग्री पर ले आइए और सर्कल बनाना है। घुटना सीधा, पंजा बाहर की तरफ, बड़ा सर्कल बनाना है। जितना बड़ा बनाएंगे उतना फ़ायदा आपको। आप मेरे पैर का सर्कल देखिए कितना बड़ा बना सकते हैं। थाइस का वेट भी रिड्यूस होता है, टमी का, साइड का। ऐसे क्लॉकवाइज और ऐसे ही रिवर्स, घुटना सीधा, पंजा बाहर की तरफ। जितना खींच के करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। पहले एक पैर से करना है, इसी दूसरे पैर से भी करना है। पूरा बड़ा सर्कल बनाना है ये, घुटना सीधा, पंजा बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज और ऐसे ही इसको रिवर्स। उसके बाद आपको दोनों पैरों से एक साथ करना है। दोनों पैरों को 60 डिग्री ले आइए और फिर सर्कल बनाइए। ऐसे घुटना सीधा, पंजा बाहर की तरफ। बहुत जल्दी टमी का फैट मक्खन की तरफ पिघल जाता है, लेकिन घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, बड़ा सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज भी और ऐसे ही एंटी क्लॉक भी। मक्खन की तरफ पेट पिघल जाता है हमारा पेट का फैट। ये देखिए आप, घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना ज़्यादा फायदा है आपको ऐसे, और इसी को ऐसे रिवर्स भी ले जाना है। फिर 20 टाइम से स्टार्ट करके 20 क्लॉकवाइज, 20 रिवर्स, फिर 30, 40, 50 तक करना है आपको। और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आना है। थे दोनों पैर 90 डिग्री, घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ, लेफ्ट लेग 90, राइट लेग 30। फिर चेंज करना है 90, 30, 90, 30, 90, 30, वापस दोनों पैर 90 डिग्री और सांस छोड़ते हैं दोनों पैर जमीन पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है, दोनों पैर 60 डिग्री पर ले आइए। अब लेफ्ट लेग 60, राइट लेग 30, और चेंज करना है 60 वाला
30 पर 30 वाला 60 पर, घुटने सीधे पंजे बाहर की तरफ, 60-30। जितना स्लो करेंगे उतने अच्छे भी रिजल्ट हैं, घुटना सीधा पंजा बाहर की तरफ, और फिर दोनों पैर 60 डिग्री, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर। ये भी आपको 20 टाइम से स्टार्ट करके धीरे धीरे 30-40-50 तक करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोनों पैर 90 डिग्री पर, 90-30-30 डिग्री पर नी बेंड करके पैरों को 60 डिग्री पर ले आइए। वापस दोनों पैर 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए 30 डिग्री पर नी बेंड करके दोनों पैर 60 डिग्री, वापस से सांस लेते हुए दोनों पैर 90-30 नी बेंड 60। ये भी तकरीबन आपको 20 टाइम करना है शुरू में, धीरे धीरे 30-40-50 टाइम करिए। ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, आप इसको जरूर ट्राई करिए। ये था पार्ट 1, अब हम पार्ट 2 करेंगे।